दतिया में किसानों का कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ करने की मांग को लेकर भाजपा ने कलेक्ट्रेट की घेराबंदी कर कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एक सैकड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। भाजपा नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किसानों को ठगा है। कांग्रेस की सरकार बने एक साल होने वाला है, लेकिन अभी तक किसानों का 100% कर्जा माफ नहीं हुआ है। यहां तक कि ज्यादा बारिश से खरीफ फसलें खराब हो गई, लेकिन मुआवजा तो दूर सर्वे तक नहीं कराया गया है। किसान, युवा सभी परेशान हैं और कमलनाथ सरकार तमाशा देख रही है। इस दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ सरकार के लिए SDM को चूड़ियां भी सौंपी। किसानों का कर्जा माफ हो, बिजली के बिल हाफ हो और ये भ्रष्ट जो निकम्मी सरकार है उसको भगवान सज्जी बुद्धि दे के ठीक रास्ते पे चले, नहीं तो फिर किसान यदि बिगड़ गया तो सरकार को ध्वस्त कर देगा। और वैसे सरकार के बारे में अब ये कार्यालय लगा है कि जैसे गैंग ऑफ बासीपुर पिक्चर थी, ऐसे ही कमलनाथ सरकार सीमांत बंटाधार Part 2 है, जिससे हम सब मुक्ति चाहते हैं। दतिया से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। 55 साल में कुछ जो नहीं कर पाए, पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने PR को छोड़ नहीं सकते।